ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। जिस बात की चिंता शहर की प्रशासन को थी, शहर की जनता को थी, लेकिन अब वो डर जो है हकीकत में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। शहर भर में जो है कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये मामले जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि दूसरे शहरों से जो कि लोग काम के ज़रिए हमारे शहर में आ रहे हैं तो वो संक्रमित होकर आ रहे हैं और शहर में लगातार कोरोना के मामले और मरीज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हाल ही में जो कि खबर चली थी कि जिसमें जो है धारावी के एक मेडिकल क्लिनिक में काम करने वाला जो कि युवक था जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद जो है उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन और वैद्य विभाग ने जो है उनके घर वालों के साथ अन्य 7 परिवार को जो है क्वारंटाइन किया था और उनकी जाँच के लिए रिपोर्ट भेजी थी। तो अब जो है खबर ये मिल रही है महानगर पालिका द्वारा और वैद्य विभाग द्वारा के उनके घर के जो सदस्य थे उनमें से 3 लोगों को जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई है। उसके साथ ही घर में उनके जो पिता थे उनकी जो है हालत ख़राब थी, उनको जो पैर की तकलीफ थी तो उनकी मालिश करने के लिए वहाँ पे एक व्यक्ति आता था तो वो भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक पुराना अपने यहाँ जो पॉजिटिव पेशेंट मिला था उसके फैमिली मेम्बर और उसके नज़दीकी कॉन्टैक्ट है, ये उनके कल रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं और उनको कोविड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बहरहाल जिस प्रकार से जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं और वहीं पे गौर करने वाली बात ये भी है कि जो सारे मामले हैं ये कहीं ना कहीं शहर के बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि शहर में लगभग जितने भी जो भी मामले सामने आए ये कहीं ना कहीं बाहर के आए हुए जो संक्रमित हैं वही मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पे शहर में अब जो है कंटेनमेंट जोन की यदि बात करें तो अब कंटेनमेंट जोन के आंकड़े भी बढ़ गए हैं। पहले शहर में 3 से 4 कंटेनमेंट जोन थे, लेकिन अब जो कि मामले सामने आने लगे हैं वहाँ पर अब इस कंटेनमेंट जोन की जो संख्या है 7 हो चुकी है। बहरहाल ऐसे में हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से जो कि प्रशासन की जो गाइडलाइंस है, जो सूचना है, उसका पालन करें, क्योंकि कई जगहों पर ये तस्वीरें रोज़ाना देखने को मिलती है कि शहर में जो कि ज़रूरतमंद चीज़ें लेने के लिए जब लोग बाज़ारों में जाते हैं तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो इस चीज़ पर जो है गौर करें कि आपको ये नहीं पता होता कि आप खुद संक्रमित हैं और आपको ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप किस संक्रमित व्यक्ति के पास खड़े हैं या फिर वो आपको किस तरीके से संक्रमित कर सकता है। और ऐसे में जो कि ये भी बातें अब सामने आने लगी कि कोरोना वायरस में जो है म्यूटेंट चेंजेस भी आने लगे, म्यूटेंट चेंजेस यानी कि जो उसकी स्वाभाविक जो कि संरचना है वो भी कहीं ना कहीं शरीर के अंदर बदलने लगे, जिससे जो है असिम्प्टोमेटिक यानी कि बिना लक्षण वाले जो कि मरीज है वो बड़ी तादाद में पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम कहेंगे कि जो गाइडलाइंस है लॉकडाउन को जो है पूरी तरीके से पालन करें, यदि घर के बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ अपने जो है लगातार धोते रहें ताकि संक्रमण से आप बचे रहें और आपके परिवार को भी संक्रमण ना हो और आपके आसपास रहने वालों को भी संक्रमण ना हो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।